क्या बंदा है, चलो रेडी आ जा। जबरदस्त हाँ, आपने देखा, आप खुद वहाँ पे दर्शक थे, काफी अच्छा हुआ, फर्स्ट फोटोशूट भी है और बहुत मजा आया। थीम यही थी, जैसे हमारा जो शो का फॉर्मेट है, खूब मस्ती करवाना सबको और खुशियाँ बांटना, और कॉमेडी सुपरस्टार्स की, आम इंसान जब बहुत बड़े सुपरस्टार बनते थे कैसे होता है, तो खूब खुशियों वाला थीम था और वैसे ही हम लोगों ने सब प्रपोज किया वहाँ पे। यहाँ पे आज हम अपने शो जो कॉमेडी सुपरस्टार है उसको पहली दफा हम लोग ऑन स्टेज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आम जनता के सामने, ताकि हम बता सके कि हम इस शो के जरिए क्या कुछ लेके आने वाले हैं। बिस्किट माई गॉड, अभी तो आपके बिस्किट दिखाता हूँ यार, इसमें कपड़ों मेरे कहाँ, कितनी बार कपड़े उतराओगे। थैंक यू सो मच, मैं करता हूँ अंदर जाके, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनको कुछ ऐसा कर। अरे यहाँ मत उतराओ यार मेरे भाई, मैं तीन क्वेश्चन मिक्स हो गए, मैं दोबारा बोलूँ जी। हाँ जी मैं दिखाता हूँ, मैं अभी अकेले भी दिखाता हूँ जी। आई थिंक ऑल सेवन वंडर्स यू नो आई बीन देयर, आईफिल का जबरदस्त है, एंड आई थिंक इजिप्ट का जो पूरा पिरामिड का जो थीम बनाया हुआ है फैरोज का, वो बड़ा कमाल का है, एंड इट्स लुकिंग ब्रिलियंट। मैं देखा स्टेज एंड और ऐसा लग रहा था कि यू नो एक्चुअली यू आर पार्ट ऑफ दोस सेवन वंडर्स। जी सर सॉरी, मेरे को दबंग का बड़ा कमाल का डायलॉग लगता है, इसकी कानून के हाथ और चेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी है भैया। थैंक यू सो मच, हाँ जी सर, यस यस, नहीं नहीं बनता है, या ऑल योर। गुड इवनिंग जान मेरी, योर हेयर इज लुकिंग लवली। यस नो, इट्स एक्चुअली माय सेकंड टाइम, बट माय सेकंड टाइम इज वेरी स्पेशल, क्योंकि इस बार मुझे कॉमेडी जो बहुत पसंद है, मेरी फिल्मों में भी मुझे बहुत पसंद है, इनफैक्ट मेरी सारी बड़ी हिट्स सिर्फ कॉमेडीज में ही हुई है। सो फॉर मी टू हैव दिस प्लेटफॉर्म जहाँ मेरे दाहिने और मेरे बाएं तरफ दोनों इतने कमाल के लोग बैठे हैं, मिस्टर सोनू सूद एंड मिस्टर शेखर सुमन, सब टीवी द वे दे प्रेजेंट देयर शोज, उनकी क्वालिटी, उनका कॉन्टेंट कमाल का है। सो इट्स अ प्रिविलेज टू बी अ जज ऑन दिस शो। और जहां तक कंटेस्टेंट्स की बात है, ये आपको शो देखना पड़ेगा समझने के लिए कि कॉमेडी सुपरस्टार मींस टेकिंग कॉमेडी टू अनदर लेवल। हाँ जी, वन एंड हाफ अलाउड अलाउड। कैसे आप? अनोखे अवार्ड्स पर अनोखा मोमेंट। आई थिंक मेरे लिए मेरे जीवन में सबसे अनोखा मोमेंट तब हुआ जब मुझे मेरे देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला एट मिस यूनिवर्स, क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट करना एक अलग ही बात जी। फिल्म मुझे डांट पड़ेगी, मना किया गया है, मगर ये वादा रहा कि कॉमेडी सुपरस्टार मिड अगस्त में रिलीज होगी, पहले उसकी रिलीज देख लेते हैं, उसके बाद फिल्में तो होती रहेगी। जान आई बी बैक, आई लव यू वेरी मच, डांट पड़ेगी। आती हूँ वापस। अरे रुकना मार,
Like that,